ओवर द इयर्स जो मैंने देखा, बहुत खूबसूरत हमारा पुराना सिटी होता था और अब जिसके ऑस में है पड़ा हुआ। पांव रखने की जगह नहीं होती, कोई ट्रैफिक का कानून नहीं है। बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि जिसकी चिंता नहीं। यहाँ के मकीन है, यहाँ के लोग बहुत परेशान है, लेडीज का चलना, बच्चों का चलना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्डिंग में मैं काम कर रहा हूँ, ये कस्टम हाउस, ये पाकिस्तान की बैकबोन है, पाकिस्तान का तकरीबन 40% रेवेन्यू ये दे रही है। शायद अब्दुल्ला साहब एक बार मेरे पास इधर आए थे और फिर उन्होंने ये दो बिल्डिंग्स को खास तौर पे देखा, द केपीटी एंड द इंपीरियल कस्टम हाउस, तो उन्होंने भी मेरे से ये शेयर किया कि ये आर्किटेक्चुरल मार्वल्स हैं हमारे पास, हमारे कॉलोनियल हिस्ट्री के, और वो इस तरह के नेबरहुड में फंस गए। ये पब्लिक स्पेसेस बनानी मेरे ख्याल में बहुत जरूरी हैं और ये बननी चाहिए। हमारा कल्चर टूट रहा है, क्रैक्स आ गए हैं उसमें, हम सबको उसको बचाना है। अब जो हमने एनविजन किया है कि एक अच्छी स्ट्रीट आएगी, पूरी तरह वॉश्ड एंड रेनोवेटेड, वुड बी लिट ब्यूटीफुली, जैसे वर्ल्ड ओवर आप देखते हैं पुरानी बिल्डिंग्स को लिट किया जाता है। आम लड़कों को जो कि रोड पे अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं, हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आओ और आजकल ये देखो, ये इसको साफ करो, ये काम भी सीख जाओ। पूरे रोड को नया कर दिया, सारी ड्रेनेज सिस्टम नई की, सारी अंडरग्राउंड वायरिंग की, तो हम एक कोशिश करके इस काम को जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि चलो दोबारा से देखते हैं यार कैसे नहीं हो सकता। बोल्ड इसका एक कैरेक्टर है, इसकी मजबूती है, एक रिदम है जो कि जरूरत है अब हमारी इस कराची को कि किसी पैटर्न पे आ जाएं हम। वाकई एक हमारे लिए तो बड़ा जबरदस्त स्ट्रीट बन गई है जो अभी तक कराची के लिए पहली खूबसूरत स्ट्रीट में शामिल है। अभी माशाल्लाह ये जगह बहुत अच्छी बन गई है, सेफ बन गई है और लोगों को जन बैठने के लिए सुकून भी मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे लंदन में घूम रहे हैं हम लोग। ये रोड कस्टम हाउस की अब पहचान बन गया है, देख के ही नहीं लगता है कि कराची है। बाबा थोड़ी सी चल गई है कि हम कराची को अपना रहे हैं।